और उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 20,463 नए मामले सामने आए, वहीं 306 लोगों ने इस महामारी के कारण दम तोड़ दिया। बता दें कि मंगलवार को आए आंकड़ों के मुताबिक नए मरीजों की संख्या सोमवार से लगभग 1,000 कम है। सोमवार को प्रदेश में 21,331 मामले पाए गए और प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 2,16,057 हो गई है। एक दिन में करीब 29,358 कोरोना संक्रमण से जंग जीतकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि राज्य में पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमित की संख्या में 94,000 से अधिक की कमी आई है और पिछले 24 घंटे में लखनऊ में अधिकतम 23 मौतें हुई हैं, जिसके बाद कानपुर में 16, मेरठ में 15, झांसी और गौतम बुद्ध नगर में 12, आगरा और आजमगढ़ में 11, बस्ती में 10 तथा वाराणसी में 8 मौतें हुई हैं। वहीं मेरठ में सबसे ज्यादा 1,368 नए मामले सामने आए, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर में 1,229 और लखनऊ में 1,154 मरीजों की पुष्टि हुई। और जालौन से हमारे संवाददाता अनुज कौशिक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, पिछले कई दिनों में यूपी में जो कोरोना की रफ्तार है वो थमती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लेकिन अगर यूपी के जिलों की बात करें तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जालौन में जिस तरीके से रफ्तार है वो लगातार जारी है। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो जालौन में 235 नए मामले सामने आए हैं, इसके अलावा 4 संक्रमितों की मौत हुई है। तो जो कहा जाए तो जालौन में आंकड़ा जो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। सरकार द्वारा टेस्टिंग जरूर बढ़ाई गई है, गांव-गांव में टेस्टिंग शुरू कर दी गई है, जिसका नतीजा है कि लगातार संक्रमित मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि विगत दिनों जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, जिसमें लोगों के संक्रमित होने की ज्यादा से ज्यादा आशंका थी। उसके बाद सरकार ने गांव-गांव में टेस्टिंग शुरू की है और जब गांव में टेस्टिंग शुरू की जाने लगी है तब से लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। बता दें कि जालौन के टीहर और रामपुरा में सर्वाधिक मामले आए, ये ग्रामीण क्षेत्र के दोनों मामले हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीते 24 घंटे में लगभग 50 से ऊपर के मामले यहाँ पर अकेले निकले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जालौन की स्थिति खराब बनती चली आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए मरने वालों का आंकड़ा, वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बीते 2 दिनों से कोई भी मौत नहीं हो रही थी, लेकिन 24 घंटे में 4 संक्रमितों की मौत हुई है और जिसके बाद ये आंकड़ा 153 पर पहुंच चुका है। जी, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में। अभी फिलहाल 18 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दी गई है। फिलहाल अगर वहां की बात करें, जालौन की बात करें, तो वहां वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, बता दें कि वैक्सीनेशन की अगर देखी जाए तो 18 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू कर दी थी, लेकिन जालौन में अभी तक 18 से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन 45 से ऊपर के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं, सेंटर यहां पर बनाए गए हैं, अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, आंगनबाड़ी क्षेत्रों में भी सेंटर बनाए गए हैं, जिससे कि लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। साथ ही ANM की भी ड्यूटी लगाई गई है जो गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि कोविड का संक्रमण जो है कम से कम हो सके। लेकिन अगर उस स्थिति को देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जौनपुर से भी हमारे संवाददाता राज सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं तमाम सारी जानकारी के साथ में। राज, प्रदेश में लगभग 20,000 से ज्यादा नए कोरोना के सामने आए हैं, लेकिन अगर जौनपुर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर? बिल्कुल धीरेंद्र, एक बार फिर जो है कोरोना का कहर लगातार जारी है। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार जो है केसेस बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग कितने लापरवाह हैं, इसकी तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहेंगे। धीरेंद्र, इस वक्त मौजूद है चार चौराहे पर, आगे जो है वो ईद त्यौहार है जिसको लेकर सारी कवायदें कर ली गई है भीड़ को रोकने के उद्देश्य से। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे धीरेंद्र की बैरिकेटिंग बना दी गई है, बैरिकेटिंग भीड़ को रोकने के लिए बनाई गई है। बैरिकेटिंग के माध्यम से भीड़ को रोका जाएगा, जिसके बाद लोग जो है भारी भीड़ को रोका जा सके, क्योंकि ईद का त्यौहार है, भारी संख्या में लोग चाहेंगे, तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। धीरेंद्र, लॉकडाउन है उसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े हुए लोग ही जो है उनको अनुमति दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। किस तरीके से भारी भीड़ है वो निकल रही है, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया है, बेवजह घूमने वालों के लिए अनुमति नहीं है। उसके बावजूद भी
भारी संख्या में लोग निकले हैं और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे कि संक्रमण का फैलने का खतरा अधिक बना हुआ है। वीरेंद्र जी, प्रशासन इन लोगों को रोकता नहीं है। जब ये लोग खुले में घूमते हैं लॉकडाउन के बावजूद, बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं, तो पुलिस जो है, पुलिस को रोकना चाहिए। तो क्या पुलिस जो चौराहे पे जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है वो लोग मौजूद नहीं है? नहीं, बिल्कुल धीरेन्द्र, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन लोगों के जो बेवजह लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर फोर्स तैनात किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो नहीं निकल रहे हैं। लगातार पुलिस जो है अभियान चलाकर चालान काट रही है, बिना मास्क वालों के खिलाफ चालान काट रही है, और जो लोग बेवजह घूमते हुए पाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े नाम मात्र हैं, लेकिन लोगों में एक तरीके की अवेयरनेस जो है वो देखने को नहीं मिल रही, और बेवजह घूम रहे सड़कों पर, जिससे कि कोरोना का संक्रमण जो है वो काफी तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ है। वीरेंद्र जी, राज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 24 घंटे में 20,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि पहले की तुलना में ये काफ़ी कम है। रफ्तार कहीं ना कहीं कोरोना की थमती हुई नजर आ रही है, लॉकडाउन का असर भी है, लेकिन अभी भी लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कई शहरों में कोरोना की रफ्तार उसी तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। तो प्रदेश सरकार एक तरफ कोरोना को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर भी काफी जोर दिया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से। अभी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। बाकी अन्य जिलों में भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी 18 साल से ऊपर वालों को, क्योंकि दूसरी लहर कोरोना की सबसे ज्यादा घातक युवा वर्ग के लोगों को ही है, और इसीलिए प्रदेश सरकार अब 18 से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगाने पर जोर दे रही है।